सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। और आप सबों का इस अनुग्रह जीवन ब्लेसिंग प्रार्थना इस चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोग हर रोज इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आपके ऐसे वीडियो देखने से मुझे उत्साहित लग रहा है। तो आज मैं आपके लिए फिर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा ताकि आपके जीवन में आशीष होने पाए, आप भले चंगे रहे, आप स्वस्थ रहे। तो एक वचन के साथ में अगुवाई लेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और सचमुच में आज आप पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर पिता आप पर हमसे प्रेम करते हैं, है ना। और इसी प्रेम को प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम लोग उस पर विश्वास करेंगे, और हम लोग उस पर विश्वास करेंगे तो हम नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। आज इस बात को परमेश्वर पिता हमें इसलिए सिखाना चाहता है ताकि हम जानने पाए कि उसका प्रेम, और उसका प्रेम हम पापियों के लिए है ताकि हम अपने मन को परिवर्तन करने पाए। और आज आप जो देख रहे हैं, आप अपने जीवन में उन सारे गुनाहों और अपराधों को जानते हैं और उसी गुनाह अपराधों के लिए उसने अपने बेटे को आपके हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। तो वही यीशु मसीह आज आपके हमारे उन सारे प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे जीवन में छुटकारा को देंगे। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। महासामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु, आपकी जितनी भी महिमा करे, जितनी भी तारीफ करे प्रभु जी का मैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिता परमेश्वर हर एक संकट में मुसीबत हम सभी को संभाला है। और इस घड़ी विशेष कर प्यार प्रभु जी हम दुआ करते, जितने भी इस चैनल में देखते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर सभी को आशीषित करना प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी दुखी मन है प्रभु जी, प्रभु उनके दुखी मन को प्रभु जी आनंद से भरिए पिता परमेश्वर। आज प्रभु ये परेशान है प्रभु, नौकरी चाहते प्रभु जी, आज चाहते प्रभु जी कि इनके एक जीवन साथी होने पाए प्रभु जी, आज चाहते प्रभु जी कि परिवार में आशीष होने पाए। हाँ प्रभु ये चाहते पिता परमेश्वर कि इनके हस्बैंड प्रभु जी, हाँ प्रभु जी नशा से छुटकारा पाकर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर तेरी महिमा करे और तेरा भय में उनका जीवन व्यतीत होने पाए। प्यार प्रभु जी एक एक जन के प्रार्थना निवेदन को सुनिए पिता परमेश्वर, और हाँ प्रभु जी स्वर्ग से सुनकर उनके जीवन में प्रभु आशीष को ले लिए ताकि हर एक का प्रार्थना प्रभु जी उनके हाँ और आमीन में प्रभु जी पूरा होने पाए। और होने दीजिए पिता परमेश्वर की तेरी महिमा हो। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को देखते प्रभु जी उन सारे लोगों को आशीषित करना और सभी के जीवन प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। प्यार प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद महान परमेश्वर, आप महान है, आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा पाए। इस घड़ी प्यार प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने भी प्रभु जी यूट्यूब चैनल में प्रभु जी देखते पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखते प्रभु जी सभी को आशीषित करना प्रभु जी, प्रभु सभी के जीवन में आशीष को लेना प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। तेरा वचन कहता है जहां जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रार्थना में संगति रखा और प्रार्थना को सुना। सचमुच में प्रभु आपके जो न्यास को ले ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने इस वीडियो के द्वारा से आशीष को पाया है, तो आप जरूर से इसे सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग लाइक करें, कमेंट में आप जरूर से लिखिए और अपना प्रार्थना निवेदन भी लिखिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग भी देखकर इसी तरह से प्रार्थना बने रहने पाए और प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में भी होने पाए। इसलिए आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए, प्रभु आप सबको बहुत एहसास दे। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की, और सबको यीशु सहाय।